यूपी के मिर्जापुर जनसभा में भीड़ देख गदगद हुई मायावती बसपा के लिए मांगा वोट। मिर्जापुर के सातवें चरण के होने वाले चुनाव में बसपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर सभी विरोधी राजनीतिक दलों पर जमकर बरसी। सपा को गुंडों वाली पार्टी बताया, वहीं कांग्रेस के दलितों और पिछड़ों का दुश्मन बताया। भाजपा को पूंजीवादी और आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे वाली पार्टी कहा। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने और कर्मचारी की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। मीडिया के द्वारा प्रदेश में दिखाए गए बसपा की कम सीटों पर जीत को लेकर कहा कि 2007 में भी आंकड़े गलत साबित हुए थे। हजारों की जुटी भीड़ को देख गदगद होकर कहा कि 2007 की तरह प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए एक वोट बसपा के लिए पड़ना चाहिए। मिर्जापुर के चंदईपुर ग्राम में पहुंचे बसपा सुप्रीमो का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए देश के विकास में रुचि नहीं लेती, बहुजन समाज का कोई ध्यान नहीं रखती है। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट।